श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन्मल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री यमुना चतुर्भ्याम नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग दो। और कछुक दिन में मीहा की स्त्री को गर्भ रहो सो पूरे दिन आए। तब मथुरा में मीहा की ज्ञाति को झगड़ो भयो सो सबन ने कही, जो मीहा भलो मनुष्य है वो आए के कहे सो हम करिए। तब झगड़ो चूके सो दोई मनुष्य मथुरा ते मीहा को बुलावन आए। तब मीहा ने अपनी स्त्री सो कहियो, जो मोको जरूर अब मथुरा जानो पर रहियो है सो तेरे लरीका होएगो, तब श्री ठाकुर जी बैठी रहेंगे, अब मैं कैसे करूं। तब स्त्री ने कही, अभी तो पीर पेट में नाही है, तुम उत्थापन ते सेन पर्यंत पहुँच के जाऊ, अटकियो मती। तब मेहा राजभोग पहुँची अनोसर कियो, पाछे महाप्रसाद लियो, पाछे दोई घरी पहले उत्थापन कराए, सेन पर्यंत सेवा पहुँची के स्त्री सो कहियो, जो सावधान रहियो। तब मथुरा गयो सो जात ही ज्ञाति को काम करनो हतो सो किए, रात्रि को सब कियो, पाछे सबन सो कहियो, जो मेरे घर लरीका होनहार है तासो अभी जाऊंगो। तब सबन ने कही, अर्ध रात्रि गई है, शीतकाल को दिन है, या समय नाव नाही घाटवारो नाही, और हम कैसे जान दे, हमारे और दो तीन दिन तो रहो। तब मीहा ने कही, मैं प्रातःकाल जरूर उठी जाऊंगो, तुम्हारो काम कछु होए सो या समय करी लेऊ। पाछे रात्रि मथुरा में रहियो, और यहाँ स्त्री को प्रहर एक रात्रि गई, ता समय पुत्र भयो। तब मीहा की स्त्री को महाखेद भयो, यह पुत्र महादुष्ट है, जो मेरे पेट में आए के बेर लियो, अब प्रातःकाल श्री ठाकुर जी की सेवा कौन करेगो। या भांति स्त्री विलाप करन लागी, तब श्री ठाकुर जी सो यह दुख सहयो न गयो। तब श्री ठाकुर जी व स्त्री सो कहे, जो तू रोवे मती, मोको नींद नहीं आवती, काल ही प्रातःकाल तू ही सेवा करियो। तब स्त्री ने कहियो, जो महाराज मैं तो अघोर नरक में परी हूँ, तुम्हारी सेवा कैसे करूँगी। तब श्री ठाकुर जी कहे, गोबर गोमूत्र खड़ी लगाए आछी भांति न्याय के कांच बांधी के चरणामृत लेके मेरी सेवा करियो, मेरी आज्ञा है, तू चिंता मती करे, अब तू सोए रहे तो को कछु बाधक न होएगो। तब मीहा की स्त्री रोवत्ते रही, पाछे प्रातःकाल भयो। तब वह स्त्री गोमूत्र गोबर खड़ी लगाए के सात बेर न्याही, पाछे चरणामृत लेके श्री ठाकुर जी को जगाए, पाछे मंगल भोग आरोगाए आरती करी, पाछे सिंगार कियो, पाछे राजभोग ते पहुँची के अनुसर कराए के खाट पे आए के परी रही, और वहाँ मीहा प्रातःकाल चलन लाग्यो। तब ज्ञातिवारन ने कहियो, जो आज और रहो कछु काम और है, जो रहो तो आछो है। तब इनने नाही करी, ता पाछे ज्ञात के इनने कहियो, जो एक दिन न रहो तो आज ही एक प्रहर तो और रहो। तब मीहा एक प्रहर रही के ज्ञाति को झगड़ो चुकाए के ता पाछे तहाते चलियो, सो मथुरा के घाट उतरी के पार आयो। तब मध्यान्ह को समय भयो, ताही समय गोपालपुर ते एक मनुष्य आयो, सो वह मनुष्य मीहा को देखी के कहियो, जो तो को बधाई है, तेरे घर रात्रि को पुत्र भयो है। यह सुनी के मेहा को बहुत बुरी लागी। तब मेहा ने कही, जो यह दुष्ट पुत्र कहाँ ते भयो, मेरे श्री ठाकुर जी बैठी रहे होंगे। ऐसे कही के मेहा तहाँ ते दौरियो, सो घरी एक में गोपालपुर आयो। तब तत्काल आए के स्त्री सो कहे, जो श्री ठाकुर जी बैठे होंगे, मैं बेगी न्या हूँ। तब स्त्री ने कहियो, जो श्री ठाकुर जी को सिंगार भयो है, मैं राजभोग ताई पहुँची हूँ। तब मीहा को महाक्रोध स्त्री पे आयो, जो ऐसे नरक में परी है तू तामे कैसे श्री ठाकुर जी को छियो। तब स्त्री ने कहियो, जो मोको श्री ठाकुर जी की आज्ञा भई है तब मैं सेवा करी। तब मीहा ने कही, जो श्री ठाकुर जी कभू न कहे, मोको ग्लानी आवत है तो को श्री ठाकुर जी कैसे कहेंगे, तू बड़ी झूठी है। ऐसे कही कि मीहा एक बड़ी लाठी लेके मारन लाग्यो। तब श्री ठाकुर जी जाने, जो मीहा निश्चय मारेगो। तब मीहा सो श्री ठाकुर जी ने कहियो, जो वाको काहे को मारत है, यह तो मेरी आज्ञा ते सेवा करी है, और तू मोको छोरी के चलियो गयो
तो सेवा को करे, दोष तो तेरो है। तब मेहा ने विनती करी, जो महाराज मेरो अपराध क्षमा करो, मैं भूलियो। और महाराज ऐसे में यासो सेवा कौन भाती कराई। तब श्री ठाकुर जी कहे, जो याको रात्रि को विरह ताप बहुत भयो हो तो सो मोसो सहयो न गयो। तब मैंने आज्ञा दीनी, अब तो को ग्लानी आवे तो अपरस काढ़ी के दूसरे दिन सिंगार करी राजभोग धरी। स्त्री को काहे को मारत है, यह तो मेरी आज्ञा ते कियो है। यह सुनी के मेहा श्री ठाकुर जी को दंडवत कियो, बहुत विनती कियो, जो महाराज में चूकियो, अब मेरो अपराध आप कृपा करी के क्षमा करो। पाछे मेहा न्याय के सगरी अपरस काढ़ियो। भाव प्रकाश, या में यह जनाए, जो वैष्णव को सेवा में श्री आचार्य जी महाप्रभु की मर्यादा को पालन अवश्य करनो, ताते श्री ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। और जो कदाचित प्रभु की विशेष आज्ञा हुई तो ता प्रकार करनो, तामे बाधक नाही। श्री ठाकुर जी को श्री यमुना जल सो स्नान कराए के फेरी के मंगल भोगते राजभोग ताई सेवा पहुँचो। या भांति सो मेहा के ऊपर, मेहा की स्त्री के ऊपर श्री ठाकुर जी आप कृपा करते। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। फिर कुछ दिन बाद मेहा की स्त्री को गर्भ रहा और पूरा समय आया। तब मथुरा में मेहा की जाति वालों में झगड़ा हुआ। तब सबने कहा कि मेहा धीमर को बुलाते हैं, वह भला मनुष्य है, वो जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। तब दो मनुष्य मेहा को बुलाने गोपालपुर आए और कहे कि तुमको जरूर से मथुरा चलना पड़ेगा। तब मेहा ने अपनी स्त्री से कहा कि मुझे अब मथुरा जाना पड़ेगा और तुझे बालक होगा तो श्री ठाकुर जी बैठे रहेंगे। तब मेहा की स्त्री ने कहा कि अभी तो मुझे कोई पीड़ा नहीं हो रही है, तुम शयन पर्यंत की सेवा पहुँच के जाओ। तब मेहा अपने श्री ठाकुर जी के शयन तक सब सेवा पहुँच के गए और वहाँ जाके जाति वालों का सब काम था वह किया। फिर मेहा निकलने लगे। तब सबने कहा कि अभी तो और रुकना पड़ेगा और अभी तो रात्रि हो रही है, कल प्रातःकाल चले जाना। तब मेहा वहीं मथुरा में रहे। इतने में यहाँ मेहा की स्त्री को रात में ही पुत्र का जन्म हुआ। तब मेहा की स्त्री को बड़ा खेद हुआ और वह विलाप करने लगी कि अब प्रातःकाल श्री ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा। तब श्री ठाकुर जी ने मेहा की स्त्री को आज्ञा करी कि तू रो मत, प्रातःकाल तू सेवा करना। गोबर गोमूत्र खड़ी लगा के अच्छे से स्नान करके काछ बांधी के चरणामृत लेके मेरी सेवा करना, तुझे मेरी आज्ञा है, तू चिंता मत कर, तुझे कुछ बाधक नहीं होगा और अब तू सो जा। फिर प्रातःकाल मेहा की स्त्री ने जैसे श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी थी वैसे ही सब बांध के स्नान करके चरणामृत लेके मंगल भोग धरा और राजभोग तक की सब सेवा पहुँची। फिर मेहा मथुरा से सुबह काम करके निकले, तब थोड़े विलम्ब से पहुँचे। तब गोपालपुर के रास्ते एक मनुष्य ने मेहा से कहा कि मेहा बधाई हो, तेरे घर पुत्र हुआ है। तब मेहा तो यह सुनकर दौड़े दौड़ के घर आए और अपनी स्त्री से कहा कि मैं जल्दी से नहाता हूँ और सेवा पहुँचता हूँ। तब मेहा की स्त्री ने कहा कि मैंने श्री ठाकुर जी की आज्ञा से राजभोग तक की सेवा पहुँची है। तब मेहा को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी स्त्री को कहा कि तू झूठ बोलती है, श्री ठाकुर जी ऐसी स्थिति में सेवा के लिए कभी नहीं कह सकते। तब वहाँ श्री ठाकुर जी पधारे और मेहा को बरजे और कहा कि तू अपनी स्त्री को दोष क्यों दे रहा है, मैंने ही उसको आज्ञा करी थी और दोष तो तेरा है, तू सेवा में समय सर नहीं पहुँच सका। तब मेहा ने श्री ठाकुर जी को बहुत विनती करी और क्षमा मांगी। फिर मेहा ने स्नान करके श्री ठाकुर जी की सेवा मंगला से राजभोग तक फिर पहुँची। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि सेवा श्री आचार्य जी की मर्यादा का पालन अवश्य करना चाहिए, परंतु प्रभु की विशेष आज्ञा हो तो उस प्रकार करना चाहिए। तो मेहा और उनकी स्त्री पर श्री ठाकुर जी इस प्रकार कृपा करते। वल्लभ वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरण आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभ मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला,
आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला, वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।